जन्मभूमि न्यास एवं कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के मार्गदर्शन में हिंदू हित के कार्य करने वाले संत वेदांत व्यास ने राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की बात कही है। भारतवर्ष के साधु संतों और हिंदू धर्मावलंबियों की इच्छा अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शीघ्र होना चाहिए। संत वेदांत व्यास ने न्यायालय से इस मामले में शीघ्र आदेश देने का आग्रह भी किया है। मंदिर निर्माण पर राजनीति कर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए संत वेदांत व्यास ने कहा कि मंदिर निर्माण के नाम पर राजनीति नौटंकी हो रही है। मंदिर निर्माण में देरी को लेकर संत समाज में आक्रोश की बात कहते संत ने कहा कि हिंदू समाज की सहिष्णुता को लेकर राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं लेकर उसकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, हम श्री श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के नेतृत्व में काम करते हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास एवं कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, और श्री राघवेंद्र दास जी जो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, और समस्त हिंदू समाज की इच्छा है कि भारत सरकार उसमें अध्यादेश लाए और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। पूरा साधु समाज यही चाहता है और भारतवर्ष का सभी हिंदू यही चाहता है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो और माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें जल्दी से जल्दी अपना आदेश दे।